अक्टूबर को होने वाले छात्र संघ के चुनाव में NSUI व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वर्चस्व की लड़ाई में कांग्रेस परिसर अखाड़ा बने हुए। जिस दिन से छात्र संघ चुनाव की तारीख की घोषणा हुई है, उस दिन से आए दिन कॉलेजों में NSUI व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों में आए दिन मारपीट का मामला सामने आ रहा है, जिससे पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को काफी मुशक्कत झेलनी पड़ रही है। कॉलेज इस समय अखाड़ा बने हुए हैं और प्रशासन की इस ओर कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है। अगर इसी तरह प्रशासन सोता रहा तो छात्र संघ चुनाव में बड़ी घटना घटित हो सकती है। वही छात्र संघ नेता ने बताया कि छात्र संघ चुनाव प्रदेश में 6 साल बाद कराए जा रहे हैं, जिसको लेकर NSUI व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कांग्रेस परिसरों में छात्र व छात्राओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। आपके संगठन में और में आए दिन विवाद हो रहे हैं, क्या है ये मामला? क्या है ना, छात्र संघ में चुनाव की जब से अधिसूचना जारी हुई है तभी से उनको मालूम हो गया कि NSUI बहुत आगे हम लोगों से कानूनी कार्रवाई में भी और वैसे भी हर क्लास में हर कॉलेज में मजबूत है, इसलिए वो बड़बड़ा रहे हैं और इधर उधर प्रशासन उनका साथ दे रहा है। भाजपा के दबाव में सारे प्रिंसिपल, सारे जो निर्वाचन अधिकारी या चुनाव के बनाए गए हैं वो सब उनकी मदद कर रहे हैं, प्रेस प्रशासन भी उनकी मदद कर रहा है, इसकी वो हर कॉलेज में हड़दंग मचाने हवा हवाई गेंद फिर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को ये चीज़ बताई कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारे कार्यकर्ताओं के साथ तो व्यवहार कर रही है? जी, मैं सारे जितने भी थाना प्रभारी हैं, जिन जिन के अंतर्गत जितने कॉलेज आते हैं उनको सबको एप्लीकेशन देके सबके पास ये जानकारी दे चुका हूँ। उत्तर भी छात्र जो भी हैं या AVP के BJP के नेता जो आते हैं उनके भी नाम मैं नोटिस करा चुका हूँ और AD ऑफिस में भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, निर्वाचन अधिकारी को भी सबको ये इतला कर दी गई है, एप्लीकेशन दे गए और NSUI SP साहब से आज हमारी मीटिंग हुई थी तो उनको भी बता दिया गया कि प्रशासन भाजपा की और साइंस कॉलेज में जो विवाद हुआ था जिसमें आपके कार्यकर्ता और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आपस में बोल रहे थे, वो किस चीज़ को लेकर हुआ? ये क्या हुआ, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे यहाँ AVP के कार्यकर्ता, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, जीत हमारी, और प्रिंटेड जो पैम्पलेट्स होती हैं जो कि आचार संहिता के नियम नंबर 16 के हिसाब से उल्लंघन है आचार संहिता का, और प्राचार की परमिशन से प्राचार्य उनकी मदद कर रहा है यहाँ, तो उससे जो ये प्रचार प्रसार कर रहे थे इस चीज़ का हमने विरोध किया, इसलिए विवाद किया। चुनाव प्रचार को लेकर आचार संहिता लगी हुई है, आपके पोस्टर अभी भी कॉलेजों में लगे हुए हैं, यह हुए नियम के सही है? ये पोस्टर 1-1.5 महीने पहले लगाए गए थे, लेकिन जिस दिन अधिसूचना जारी हुई है आप चाहें तो मेरे से वीडियो ले सकते हैं, हमने खुद ज़्यादातर कॉलेजों में अपने पोस्टर अपने हाथ से फाड़े हैं 23 तारीख से पहले ही। कितने CR आप यहाँ के लिए बनाने जा रहे हो, कितने कैंडिडेट आपके लिए लड़ेंगे चुनाव? सारे पदों पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, 4 सीटें हैं एक कॉलेजों में। एक और टोटल कितनी? टोटल 21 कॉलेज हैं, 21 अध्यक्ष बनेंगे। CR यहाँ 58 है साइंस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में 143 हैं, 51 माधव कॉलेज में है, 86 MLB कॉलेज में, ऐसे करते हैं। तो आपका यही मानना है कि आप एक तरफा जीत हासिल कर? जी, एक तरफा जीत है ही हम लोगों की, बस प्रशासन के दबाव में हमारा काम खराब हो रहा है। अखिल भारतीय मानव AVP में क्या भाजपा साथ दे रही है? बिल्कुल, अरे विधायक उनको प्रभारी बना रखा है, विधायकों को कॉलेजों को उनको इससे ज्यादा साक्ष की क्या जरूरत है? आपने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया, वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं? जी बिल्कुल, सबको जानकारी है। आपके कार्यकर्ता इसमें रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं? देखो रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या है मुकाबले में और हर जगह चुनाव में तो ज्यादातर वरिष्ठ नेता जो भी है वो बाहर है हमारी पार्टी। ओके, थैंक यू। विवाद नहीं है, बताया कि एक छात्र का IC छीन लिया है, तो हमने कहा आप मेरे को शिकायत दो, शिकायत उन्होंने जो की है हमने। AVP वालों का आरोप है कि NSUI वाले छात्रा एवं छात्राओं का आइडेंटिटी कार्ड खींच खींच कर उनको अपनी ओर ग्रहण कर रहे हैं, आपको AVP और NSUI दोनों ने ज्ञापन दिए हैं, इस विषय को लेकर दिए? AVP ने ज्ञापन दिया है कि बाहरी छात्र का और NSUI वालों ने दिया है कि हमारा IC लड़कों की शिकायत है कि इन लड़कों ने IC छोड़ा दिया। सर आपने अभी कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया, अभी भी NSUI वाले कार्यकर्ता को आपके कॉलेज कैंपस में
अभी भी घूम रहे हैं बाहर आई सी देख के निकाला जो स्टूडेंट है यहाँ का वही है केवल सर अभी भी आपके कैंपस में खड़े हुए कुछ काल कुछ आपसे नॉलेज नहीं इसमें क्या है कि माधव बोले और माधव विधि दोनों जी माधव विधि का अगर कोई स्टूडेंट है तो बीच में कहीं कोई ऐसा दरवाजा नहीं है कैंपस एक है इसलिए आपको वो देखना है ओके सर थैंक यू छात्र संघ चुनाव में अगर प्रशासन समय रहते नहीं जागा तो चुनाव में कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। माना जा रहा है कि दोनों ही दल के छात्र नेता अपनी अपनी दबंगई कॉलेज परिसर में इन दिनों बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, जबकि प्रशासन को समय रहते जागना चाहिए। और जो छात्र कॉलेज परिसर में आए दिन अखाड़ा कर रहे हैं उन छात्रों पर कार्यवाही करनी चाहिए। छात्र संघ चुनाव की जिस दिन से अधिसूचना जारी हुई है उस दिन से कॉलेजों में छात्र छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो पा रही, जिससे पढ़ने वाले छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। जिस दिन से प्रशासन अधिसूचना जारी की है उस दिन से कॉलेजों में रोज विवाद हो रहे हैं एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच। क्या व्यवस्था है आपकी? पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था लगाई गई है। इस संबंध में कल कलेक्ट्रेट में मीटिंग भी रखी गई है, तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से भी रेवेन्यू के अधिकारी लगाए गए हैं। हर कॉलेज के ऊपर एक नामजद अधिकारी लगाया गया, तो व्यवस्थाएँ देख रहे हैं छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सजग है और पुलिस का भी प्रॉपर बंदोबस्त लगा हुआ है। थानों से भी कर्मचारी लगे हैं, स्वयं CSP लेवल के अधिकारी जाके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो व्यवस्था पर्याप्त है। लेकिन कुछ छुटपुट घटनाएं हो जाती है तो उसके लिए प्रशासन सजग है। स्कूलों में कॉलेजों में जाके आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे हैं और आइडेंटिटी कार्ड जिन विद्यार्थियों के पास है उन्हीं को प्रवेश करने दिया जा रहा है ताकि कोई अन्य प्रकार के असामाजिक तत्व कॉलेजों में प्रवेश ना करें और छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से। सर अखिल भारतीय और NSUI द्वारा कुछ छात्रों की प्रवेश के लिए फर्जी ID बना दी गई है, इस संबंध में आप? देखिए ये कॉलेज का आंतरिक मामला है, इसमें कॉलेज प्रशासन देखेगा कि वो किस प्रकार से आइडेंटिटी कार्ड बना रहा है। जो हमारा कार्य है प्रशासन का तो वो व्यवस्थाएँ देखना है कि इस तरह की कोई घटना ना हो, तो हम इसके लिए पर्याप्त बल लगा रहे हैं। सर कॉलेज प्रशासन के प्राचार के सामने ही मारपीट हो रही है, आए दिन हम ये मामला देख रहे हैं। कॉलेज प्रशासन के प्राचारों में बच्चों का इतना खौफ है कि उन पर कार्रवाई कराने से डर रहे हैं। देखिए ये कॉलेज प्रशासन जब तक पुलिस प्रशासन को नहीं बताएगा तब तक हम कोई भी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। उनको बताना चाहिए कि किस प्रकार की घटना होगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्र संघ चुनाव में छात्राओं को 50% आरक्षण दिए जाने के नियम से शहर के टॉप गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं के हौसले बुलंद है। छात्र संघ चुनाव को लेकर इमरान खान की विशेष रिपोर्ट।